जी नाज़रीन, जैसे कि गुज़श्ता रोज़ अस्करी पार्क में जो है वो झूला टूटने से जो है वो जान बहक होने वाली जो है छोटी सी जो है कशफ जो है नन्ही परी उसके घर पे हम लोग मौजूद हैं, जो कि अस्करी पार्क में जो है झूला टूट के गिरने से जो है वो जान बहक हो गई थी। इस वक्त जो है कशफ जो बच्ची थी उसके जो वालदैन हैं उनके साथ मौजूद हैं, उसके घर पर मौजूद हैं, उनके वालदैन जो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कशफ जो है वो किस तरह उस पार्क में गए थे और ये वाक्य जो है किस तरह से पेश आया। जैसे कि इस वक्त जो अस्करी पार्क के झूले से गिर के जान बहक होने जो नन्ही परी थी कशफ, उसके वाले साहब वहाँ सब मौजूद हैं, इनसे जो है बातचीत करेंगे और इनसे जो है मजीद तफसील जो इनसे मालूम करेंगे। जी अब बताइएगा बाकी के वाले से कैसे बाकी पार्क का नाम क्या था? अस्करी पार्क। अस्करी पार्क था ना, तो अस्करी पार्क का मतलब आर्मी के कंट्रोल में था, तो आर्मी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इससे आर्मी का नाम बदनाम होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि हर शख्स को इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना चाहिए। मैं इसलिए नहीं ले सकता कि मैं पाकिस्तान में एक तो रहता नहीं हूँ और ना मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं ये कोर्ट और कचहरियों के चक्कर में भागूँ। मैं इसलिए FIR नहीं कटवा रहा। इन्होंने मुझे आके पैसों की भी पेशकश और वो पेशकश की थी, पर मैंने कहा भाई मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत। पैसों की पेशकश किसकी जानिब से की गई आपको? ये इमरान कबाब जी वालों की तरफ से, एयरसॉफ्ट वाले हैं। पर मैंने कहा भाई मुझे एक रुपया किसी से लेना हराम है, क्योंकि अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, पर खुदा के वास्ते आप लोग भरपूर इनके खिलाफ एक्शन लें ताकि आइंदा हमारे आने वाले जो बच्चे हैं मासूम, उन बच्चों को क्या पता क्या आप उनको झूले में बिठा रहे हो या मौत के उसमें बिठा रहे हो, मौत के झूले में बिठा रहे हो। वो तो बेचारे पैसे दे के बैठ रहे हैं ना, तो खुदा के वास्ते उनके खिलाफ भरपूर आप एक्शन लो। आर्मी को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि आर्मी के कंट्रोल में था, आर्मी को चेकिंग और बैलेंस करना चाहिए। जैसे कि जो है IG सिंह है उन्होंने और वजीर सिंह जो है निगरा उन्होंने जो है वो रिपोर्ट तलब की थी SP से, तो उनकी जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन थी उसमें आया था कि जी विदाउट परमिशन जो है यानी कम से कम बच्ची को जो है झूले में कैसे इजाज़त दी गई, कैसे यानी परमिशन दे दी गई झूले में बैठने की। मैडम 14 साल की बच्ची थी, आप ये मेरा बेटा जो है ना उसके साथ ही बैठा था, वो तो 12 साल का था, जब उनको क्यों बिठा दिया गया? बाकायदा 304 का केस है ये, यानी वहाँ के इंतजामिया की गफलत, इंतजामिया की गफलत है। उसका बेल्ट सीट का जो बेल्ट था वो भी टूटा हुआ था, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये बेल्ट टूटा हुआ है, अपना बैठना मुनासिब नहीं है, उनको पैसा चाहिए बस, हराम हलाल। पार्क को बने हुए अभी कुछ ही महीने हुए, ये हमारे घर के करीब ही है बामुश्किल, मेरे ख्याल एक ईद पे तो इफ्तिताह हुआ, इसे एक दो या ढाई महीने हुए, कितने महीने, एक महीना सवा महीना हुआ है, और एक महीना या सवा महीना इनके लिए बाकायदा आर्मी अपने कंट्रोल में इसकी देखभाल कर रहे हैं कि भाई हमारा नाम यूज़ हो रहा है, अगर कोई शख्स मेरा नाम यूज़ करके कोई चीज प्रोडक्ट बेचेगा तो मैं गलत चीज़ कभी भी नहीं बेचने दूंगा। इस तरह आर्मी को कंट्रोल करना चाहिए इसको, वरना जैसे कि अगर मुकदमा दर्ज करवा भी रहेंगे तो आप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। मैं इंतजामिया के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता, इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई मैं जो हूँ ना मुल्क में रहता नहीं हूँ, और जब आप बुलाओगे तो मैं पहुंच नहीं सकूंगा। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहता हूं, चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों की खातिर, मेरा तो भूल चला गया, और अल्लाह कशफ को अपनी बच्ची समझ के, कशफ को अपनी बच्ची और आइंदा आने वाले भी बच्चे तो उनके ही है ना, ये किसी और के बच्चे थोड़ी जो हमारे यहाँ अपने कराची शहर में घूमने के लिए आते हैं, वो गांव से देहातों से उनके बच्चे भी जाते हैं झूले में, तो वो हमारे ही बच्चे किसी और के, ये कल ये जाएगा परसों वो जाएगा, तो ये किसके बच्चे, ये आपके और मेरे ही बच्चे, तो इनकी 14 साल और 3 दिन ऊपर हुए आज, 14 साल की हुई थी, और मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो मैंने कहा बेटा आपने मेरे लिए केक रखा है, तो उसने बोला पापा मुझे भी नहीं मिला, सारे दोस्त खा गए, तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा तो एक साथ हम तुम्हारी अच्छी सी बर्थडे मनाएंगे, मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे उसको। वो ट्रीट के लिए जो है वो संडे के दिन था, तो इसलिए ट्रीट देने के लिए नहीं, वो जिद करके खुद गई है। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, कि मुझे मालूम है कि वहाँ पे आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, क्राउड बहुत होगा, मैं इनको बहुत संभाल के रखता हूँ बच्चों को, और आज तक मैंने ज़िंदगी में उसको हाथ तक नहीं लगाया, एक टच तक नहीं किया, मेरे इतना मासूम सा भूल था, ये मेरे पड़ोसियों को भी मालूम है मैं किस तरह अपने बच्चों को रखता हूँ। कौन सी क्लास की स्टूडेंट थी बेटा? यान 9 क्लास में अभी 9 की स्टूडेंट थी, 9 पे एडमिशन लिया था। और हालांकि मैंने इतने बाखुदा भाई दबर, और जिस चीज़ का कहती थी ना मैं उनको कभी भी इनकार नहीं किया। उसने कहा कि अभी मामू की शादी है, मैं सबसे महंगा सूट पहनूंगी। मैंने कहा बेटा आपको कितना पैसा चाहिए? 25,000 रुपया ले, पता नहीं कितने वाला सूट बेचारी बच्ची लेकर आई खाली अकेली। मैंने कहा लो बेटा 1,00,000 रुपये, आप भरपूर अपनी इंजॉयमेंट करो, मैं इतना प्यार से रखा था अपने फूल को, मैंने मासूमों ने जो ना फूल को जो है ना बेचारी को।
जी, जैसे कि इस वक्त हमारे साथ जो हैं जो कश्यप बच्ची हैं, उनके जो हैं नेबर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, जफर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी इस हवाले से जो है कुछ तफसील मालूम करेंगे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये आर्मी को प्रोफेशनल लोगों को देना चाहिए था। यहाँ तो वो मामू पप्पा का चक्कर चल रहा है ना कि उसके जानने वाले हैं। अब ये कबाब बेचने वालों को इन्होंने ये दे दिया है। और दूसरा, एक मैं टेक्निकल जो हमारे ईसा भाई इंजीनियर हैं, इन्होंने यहाँ पे इनसे सवाल किया है, डिप्टी कमिश्नर साहब को एडवाइस की है कि आप ये चेक करें कि इस झूले की ड्राइंग बनी हुई थी, और अगर बनी हुई थी तो अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे फिट किया गया था। इन दो चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि क्योंकि ये हमारी कशफ की बात नहीं है, आगे हमारी बच्चियों के लिए भी है, और ये इनको चाहिए कि इसको बैन करें। क्योंकि अभी एक चैनल पर बता रहे थे कि ये सिर्फ पार्क के लिए जगह थी, इसको इन्होंने कमर्शलाइज कर दिया और इसमें झूले रातों रात लग गए। और जो यहाँ के बड़े हैं वो कह रहे हैं जी मेरे अंडर में कुछ नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। बाद में ये लोग फिर 5 साल बाद कह देंगे कि जी हमारे पास तो पावर ही नहीं थी। अभी जैसे ये कह रहे हैं कि हमें 10 साल पावर नहीं थी, अभी हम इनको ले आए, 5 साल बाद ये कहेंगे जी हमारे को तो पावर ही नहीं थी, हम क्या करें। तो आप ये बताइए कि हम लोगों का, कराची वालों का होगा क्या? हमारी कोई वैसी लाइफ नहीं रही है यहाँ पे। हाँ, आखिर कराची वालों को आप देखिए ना, यहाँ कोई सोशल लाइफ है? आप बताइए, कुछ भी नहीं है। अब ये झूले और इस पे ले जाने के लिए, तो मेरी हम्बल टॉप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की कि इसको बहुत सीरियस लें। और ये हमारे बच्चों का जिंदगी का, हमारी जिंदगियाँ तो गुजर गई, हमने सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं देखा। हमारे माँ बाप ने टैक्सेस दिए, मेरे वालिद एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, हज़ारों लोगों को पढ़ा के गए, मगर हमने तो जब से होश संभाला है सिवाय परेशानियाँ धमाके। और अभी ये फिर आप देखिए, इकोनॉमिकली वी आर गोइंग टू डाउन। अभी आज भी डॉलर आप देखिए 132 पे हो गया। तो इसको हैंडल करें, ये बहुत सीरियस वो है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह भाई, अल्लाह पाक समद भाई को सब्र जमील अता करें। मेरे नेक्स्ट डोर नेबर हैं और इनके बच्चे मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह थे। थैंक यू वेरी मच। आप कश्यप की बहन हो? हाँ। अच्छा, आप जब अस्करी पार्क गए थे, कश्यप आपके साथ थी? हाँ। कौन से झूले पे वो बैठी थी उस वक्त? आप जिस झूले पे वो बैठी थी उस वक्त आप उनके साथ थे? नहीं, मैं ना अपनी मम्मा के साथ थी, वो है ना अपने भाई के साथ थी। तो आपने देखा किस तरह से झूला टूटा या किस तरह से गिरा, वो आपने देखा खुद? नहीं, मैं मम्मा के साथ थी। मुझे फोन आया जब, यानी नीचे वहाँ पे यानी झूला गिरा है, जब आपने अपनी बहन को देखा तो उस वक्त कश्यप जो है वो जिंदा थी? ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसको झूले से इतनी ऊपर से गिरी है वो बच्ची, को बेचारी सरवाइव नहीं कर सकी। उसका जो ना पीछे से बैक साइड से मेरे ख्याल से कुछ ब्रेन में इसको चोट ऐसी लग गई को ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। और मुझे इतला हॉस्पिटल से दी गई व्हाट्सएप के जरिए आउट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे रात को 1 बज रहा था और वो जश्न चल रहा था फ्रांस के, उस फुटबॉल के जीतने पे, फ्रांस एम्बेसी के बाहर हम बैठे हुए थे, तो ये जश्न चल रहा था। मैं वहाँ से बगैर खाना खाए बाखुदा पार्टी थी वो छोड़ के भागा हूँ बच्ची के। जो भाई हैं कश्यप के जो सब मौजूद थे झूले में, वो कहाँ सोए गए? जी बेटा, आप कश्यप के जो है वो बहन हो, कश्यप जो है वो किस तरह की नेचर थी आपकी, उनके साथ किस तरह की फ्रेंडशिप थी और आपसे कितनी बड़ी थी? 4 साल बड़ी थी। तो किस तरह का रिलेशन था आप दोनों के बीच में? ऐसे बहनें होती हैं, आपस में एक दोस्ती थी, किस तरह की बात? खेलते थे हम दोनों एक साथ। जिस तरह से आप लोग पार्क गए थे, वहाँ पे कैसे वाकया पेश आया था ये मुझे नहीं पता। अब मेरे भाई ने है ना उसको बैठने दे दिया, मना कर रहे थे, फिर भी वो चले गई। एक सील वो एक दो जानों की जगह होती है, तो है ना मेरा भाई नहीं बैठा क्योंकि उस सीट का है ना बेल्ट ख़राब था, तो वो बैठ गई। तो है ना गार्ड जो भाग रहे थे ना, तो हम भी उधर गए। तो उधर है ना मेरे भाई ने मुझे बताया कि है ना कश्यप भी उस झूले में बैठे थे, फिर हमें पता चला। और ये अंदर दबी हुई थी पूरे, यानी जब झूला नीचे गिरा है तो कश्यप उसके अंदर दबी हुई थी, सबसे आखिरी में उसको निकाला था। ये बच्चा था गए थे तो किस तरह से ये वाक्या पेश आया था, किस तरह झूला टूटा, आप उनके साथ बैठे हुए थे झूले में? मैं कश्यप का भाई हूँ, झूले में कश्यप बैठी हुई थी, झूला ऊपर गया और नीचे फौरन गिरी है।
और सारे जो वहाँ पर खड़े हुए थे लोग वो जो झूले वाले थे वो भाग गए और पब्लिक ने बचाया। अच्छा, उसी में आप भी उनके साथ बैठे हुए थे कश्यप के साथ? नहीं, मैं एंट्रेंस पे खड़ा हुआ था। कश्यप को जो है इजाज़त दे दी झूले में बैठने की? हाँ, बैठने की इजाज़त। से बात निकल गई। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है कि आम आवाम जो है ना वो पता है इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए क्यों डरती है? क्योंकि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं है, कानून के ऊपर अमल नहीं होता, और ये बड़े लोग हैं, ये पैसे वैसे खिला के जो है ना ये आगे पीछे लोगों को करवा देते, और हम जैसे छोटे आदमियों के पास ना इतना टाइम होता है, हम अपने रोज़ी रोटी के चक्कर में रहें या इनसे केस लड़ते रहें। और अगर ये कल फैसला हो जाए तो मैं यकीन माने एफ आई आर कटवाने के लिए तैयार हूँ। कल परसों एक हफ्ते में हो जाए तो मैं एफ आई आर कटवाने के लिए तैयार हूँ उनके खिलाफ। मुझे मालूम है इसमें सालों लग जाएंगे और मेरे घर पे आकर ये पुलिस खड़ी रहेगी और परेशान करती रहेगी। इसका कोर्ट कचहरी कौन कौन इसका जवाबदार होगा? मेरे साथ कौन खड़ा होगा? मेरे पास तो मेरे भाई हैं, ये भी बेचारे काम वाले। मैं कहता हूँ कि मैं इनका हिसाब अल्लाह के ऊपर ही छोड़ा हुआ है, पर जिस आदमी के हाथ में जितनी ताकत है अल्लाह की खातिर वो इनके खिलाफ़ भरपूर एक्शन करे, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ जस्टिस साहब होए, या हमारे गवर्नर साहब होए, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी जो आईजी साहब होए, या डीआईजी साहब, जितना भी जो भरपूर एक्शन ले सके, ताकि आइंदा कोई और कश्यप इसका इनका शिकार ना बने, और कोई कश्यप के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और कोई कश्यप जो इस किस्म के हालात से ना गुजर। बेशक नहीं, आप बाखुदा मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करता, सुई के पीछे धागा होता है, ये भी औलाद वाले, ये भी बच्चे वाले हैं, कल किसी के साथ भी हो सकता है, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बच्चों को भी सलामत रखे जिन्होंने ये हरकत की है। पर खुदा के वास्ते चार पैसों की खातिर हम तो यकीन माने गलत बात करते हुए भी दस मरतबा सोचते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, ये लोग तो किसी की जाने कैसे ले लेते हैं। नहीं भाई, हम बाखुदा वहाँ पर तो हर चीज़ का एक हिसाब किताब होता है, चेकिंग एंड बैलेंसिंग होती है, इसके बगैर होता है। माँ का दुख समझते हुए दादी का, पेरेंट्स का, बहन भाइयों का, सबका दुख वाला टाइम है, आजमाइश का टाइम है, बस अल्लाह मियां इनकी आगे हिफाजत रखे। और थैंक यू जी नाज़रीन, जैसे कि आपने जो है इस वक्त कश्यप के जो है वाले साहब जो उनकी बातचीत सुनी, कश्यप के बहन भाई जो है उनसे ही बातचीत की, और जो निगरा वज़ीर सेहत हैं वो भी जो है कश्यप के घर पे जो है वो तशरीफ़ लाई और उनकी जो घर वाले हैं उनसे तादियत की। जबकि जो निगरा वज़ीर सेहत हैं उनका कहना है कि जो भी इस यानी वाक़े में जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ़ जो है पूरी कार्रवाई करके जो है इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जबकि जो कश्यप के वालिद हैं उनका कहना है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनको इंसाफ जो है वो दिलाया जाए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अनुशी आफ्ताब, चैनल बका न्यूज़, कराची।